हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और मैं ले आया हूँ क्लास 9th का SOSC DBSC का सिलेबस फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में INSB कहते हो। तो चलो देखते हैं कि फर्स्ट टर्म के सिलेबस में क्या आने वाला है 9th क्लास के, और समझते हैं। हालांकि मैं SST बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ, पर मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्या क्या आने वाला है। और मुझे SST के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी डिमांड मत कीजिएगा कि किसी भी टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। मेरे पास एक टीचर है, मैं उनसे बात करता हूँ, और अगर वो मान जाते हैं तो वो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट के आपकी वीडियो बना देंगे, तो मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। पर मैं SST बिल्कुल नहीं पढ़ाता, तो प्लीज़ आप मुझसे डिमांड मत कीजिएगा, मैं मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो चलो देखते हैं कौन कौन से यूनिट आ रहे हैं। तो सेम वही है कि फर्स्ट टर्म में आपका 3 यूनिट आने वाला है। यूनिट नंबर 1 में है सबसे पहला डेमोक्रेटिक पॉलिटी, ठीक है, जिसके अंदर हमें पढ़ना है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। उसके कुछ सब टाइटल भी हैं, सब हेडिंग्स भी हैं, जैसे कि फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं UNO, ठीक है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसमें हमें पढ़ना है वाई इलेक्शन, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, ठीक है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, जिसमें पढ़ना है हमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स, हाउ आर मेजर पॉलिसी। फिर अगला टॉपिक है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूट, जैसे कि हमें इसमें पढ़ना है हाउ आर मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, है ना, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। तो ये हमें पढ़ना है इसके अंदर। फिर है अगला यूनिट पॉपुलेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमें पढ़ना है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के सब हेडिंग्स है इंडिया पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन इज अ रिसोर्स और लाइबिलिटी फॉर द कंट्री, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, है ना, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। फिर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्वालिटी पॉपुलेशन, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, एजुकेशनल एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप टाइप सीजनल, है ना, डिसगस्ड एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर है पॉवर्टी अ चैलेंज टू सस्टेनेबल सोसाइटी, इसके अंदर पॉवर्टी पढ़ना है, पॉवर्टी के एस्टिमेट्स पढ़ने हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स पढ़ने हैं, और इंटर स्टेट डिसपार्टीज पढ़ने हैं हमें। फिर है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियोस, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, एंटी पॉवर्टी मेजरमेंट्स। फिर है फूड सिक्योरिटी, मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी, हु आर फूड इनसिक्योर, क्लाइमेटीज डिजास्टर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे कि राशन कार्ड वगैरह होता है ना, BPL कार्ड वगैरह। फिर है अंत्योदय अन्न योजना, AAY, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बफर स्टॉक, इश्यू प्राइस एंड फेयर प्राइस शॉप्स। फिर है लास्ट हमारा यूनिट, यूनिट नंबर 3, ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर, रूरल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फार्मिंग एक्टिविटीज, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट कॉन्सेप्ट, तो इकोसिस्टम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडियन क्लाइमेट, इंडियन मॉनसून ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ मॉनसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, द सीजन मॉनसून एज अनफाइंग बॉन्ड, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फैक्टर अफेक्टिंग द वेजिटेशन रिलीफ, सॉइल एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। तो आई होप आपको समझ आया कि कौन कौन से हमें इसमें टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये सब आपको NCERT में मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे, नोट्स देंगे ही, मॉड्यूल में भी हैं आपके, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ आया है इसमें जो भी मैंने आपको कंटेंट दिया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ज़्यादा, सो कि मैं ऐसी वीडियोज़ और भी बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट।